हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल वीडियोस। आज हम आपके लिए लाए हैं फिटर थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिकल थ्योरी से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे आगे आए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस है। चार ऑप्शन है, 43-59-84, बी 55-65-84, सी 53-59-84 या डी 60-70-84। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 53-59-84। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है। तो जो ऑप्शन हैं, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील और ये सभी। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाई कार्बन स्टील। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हैमर का भार चीजल की अपेक्षा निम्न में से कितना होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2 गुना होता है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके हेक्सा ब्लेड बनाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी से मिलकर, हाई कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील और हाई स्पीड स्टील, सभी को मिला के चीजल बनाई जाती है, हेक्सा ब्लेड बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस है। तो ये सभी आएगी, 61-63-84 होती है, 62-65-84 और 61-65-84 तीनों होती हैं हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस। आगे बढ़ते हैं छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से हेक्साइन करते समय हेक्सा की औसत चाल कितनी होती है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 40-50 स्ट्रोक प्रति मिनट औसत चाल है हेक्सा की, हेक्साइन करते समय। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से फाइल की हार्डनेस होती है। तो जो फाइल की हार्डनेस होती है वो ऑप्शन सी, 60-64 HRC होती है फाइल की हार्डनेस। आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन है, फाइल के स्ट्रोक के प्रति मिनट संख्या औसतन होती है। तो जो फाइल की होती है वो है 40-60 औसतन स्ट्रोक संख्या। आगे बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन है, समानतः रेती का भाग का टेपर भाग होता है, कितना टेपर भाग होता है रेती में। तो आगे जो उसका राइट आंसर वो है 1/3 भाग टेपर होता है। दसवां क्वेश्चन है, निम्न में से साधारण ड्रिल कार्यों के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है। तो जो लिप क्लियरेंस एंगल रखा जाता है वो है 12-15 डिग्री, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं ग्यारहवां क्वेश्चन है, डबल फ्लूटेड ड्रिल में कितने कटिंग एज होते हैं। तो डबल फ्लूटेड लिखाइए तो 2 होंगे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं बारहवां क्वेश्चन है, ड्रिल की स्पीड मालूम कर रहने पर ड्रिल का व्यास बढ़ने से कटिंग स्पीड पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो घटती है कटिंग स्पीड। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग की हार्डनेस हाई स्पीड स्टील के लिए होती है, कितनी होती है। तो ऑप्शन डी, 62-65 HRC। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से रीमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के ओवर साइज मान रखा जाता है। तो जो ओवर साइज मान रखा जाता है वो है ऑप्शन बी, 0.05 mm। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग करके प्लेन या वक्र सतह से फालतू पदार्थ बारीक कणों के रूप में हटाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेती।